हाथरस मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। जी हाँ, हाथरस कांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संदीप ने जेल में रहकर ही हाथरस के एसपी के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें वो खुद को निर्दोष बोलकर इस कांड को हॉरर किलिंग का नाम दे रहा है। चिट्ठी में संदीप ने लिखा है कि पीड़िता मेरे गांव की लड़की थी जिससे मेरी दोस्ती थी। हम लोगों की मुलाकात के साथ कभी कभी फोन पर बात भी होती थी। हमारी दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन मेरी उससे खेत पर मुलाकात हुई। उसके साथ उसकी माँ और भाई थी। उसकी यानी मृतका के कहने पर मैं तुरंत घर चला गया और वहाँ अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। इसी के बाद आरोपी का कहना है, मुझे कुछ देर के बाद गांव वालों से पता चला कि मेरी पीड़िता से दोस्ती थी, इसलिए उसके भाई और माँ ने उसे मारा पीटा है। पिटाई के कारण उसे गंभीर चोटें आई, बाद में वो मर गई। मैंने कभी भी पीड़िता को मारा नहीं और न ही कोई गलत काम किया। इस चिट्ठी के जरिए आरोपियों का कहना है कि वो बेकसूर है। संदीप ने आगे लिखा है कि मृतका के परिजनों ने उसके साथ तीन अन्य लोग, जिसमें लौकुश, रवि, रामकुमार और रामू के नाम शामिल हैं, उन सभी को झूठे आरोप में फंसा कर जेल भिजवा दिया है। ये लोग निर्दोष हैं। कृपया इस मामले की जांच कराकर हमें न्याय दिलाया जाए। गैंगरेप का मुख्य आरोपी संदीप अब खुद को बेगुनाह साबित करने में जुटा हुआ है। वहीं संदीप के सपोर्ट में गांव वाले एक पंचायत भी कर चुके हैं। फिलहाल संदीप और उसके दोस्त जेल में हैं। लेकिन संदीप गुनहगार है या बेगुनाह, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।